नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY न्यूज़ में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो क्लास होगी ये भारत के कुछ खास खास कार्टूनिस्ट कलाकार रहे हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा ख्याति अर्जित किए हैं। तो उन खास खास कलाकारों को, कार्टूनिस्ट कलाकारों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बाल ठाकरे, ये क्वेश्चन छप चुके हैं और प्रीवियस में पूछे जा चुके हैं, इन्हें देखेंगे। उसके बाद अन्य कलाकार में भी जो है मारियो मिरांडा को आज देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, बात करेंगे बाल ठाकरे की। तो आप जानते हैं कि बाल ठाकरे का पूरा नाम होता है बाल केशव ठाकरे। बाल केशव ठाकरे जन्म 1926 में होता है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में, और मृत्यु 1912 में होती है। याद रखना, अच्छे राजनेता के रूप में जाने जाते हैं। इससे पहले आप जानते हैं कि उद्धव ठाकरे इनके पुत्र हैं, और उद्धव ठाकरे वर्तमान में नहीं, इससे पहले शिंदे जी से, एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे। अगर बाल ठाकरे की बात करें तो बाल ठाकरे महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध राजनेता थे, और वे शिवसेना नाम से एक हिंदू राष्ट्रवादी दल के संस्थापक भी रहे। तो याद रखना, शिवसेना का जो तीर कमान चिन्ह है उसका मूल रूप से राष्ट्रवादी दल के रूप में स्थापित करने का काम किसका रहा? तो बाल ठाकरे जी का ही रहा है। बाल ठाकरे मराठी भाषा में सामना नामक समाचार पत्र महाराष्ट्र से निकालते थे। तो ये क्वेश्चन छप सकता है कि महाराष्ट्र से जो सामना पत्र निकलता था या समाचार पत्र निकलता था किस भाषा में निकलता था? तो हम मराठी ज़्यादा बोलते हैं इसलिए मराठी भाषा में निकलता था, याद रखना। आगे, तो बाल ठाकरे ने अपना जीवन सफर एक कार्टूनिस्ट के रूप में शुरू किया। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, ये डाटा छप चुका है आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की परीक्षा में, TGT आर्ट में छप चुका है, यही एक पॉइंट छपा है अभी तक। हो सकता है सामना पूछ लिया जाए, सामना समाचार पत्र के संस्थापक कौन रहे, या मूल रूप से इसे कौन निकालता था, कहाँ से निकालता था। तो याद रखना, बाल ठाकरे निकालते थे सामना, मराठी में निकालते थे, महाराष्ट्र से निकालते थे। आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहा जाता है, आजीविका हेतु बाल ठाकरे ने अपना जीवन मुंबई के प्रसिद्ध समाचार पत्र फ्री प्रेस जर्नल में कार्टूनिस्ट के रूप में भी प्रारंभ किया था। अपना जीवन यापन स्टार्ट करने के लिए बाल ठाकरे ने फ्री प्रेस जर्नल में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में कार्य किया है। जैसे आज देखते होंगे कि आज के डेट में कोई भी पेपर छपता हो, चाहे वो द हिंदू हो और चाहे कोई अन्य पेपर, चाहे आपको जनसत्ता लगता हो, दैनिक जागरण लगता हो, या फिर जो आपके पास अमर उजाला हो, हिंदुस्तान हो, सब में कार्टूनिस्ट थोड़ा बहुत कार्टून पर डे निकालते हैं, उसका एक अलग अंक ही रखता है। तो उस टाइम मूल रूप से बाल ठाकरे जी भी एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में फ्री प्रेस जर्नल में काम करते थे और उसी से अपना जीवन यापन करते थे। अगला पॉइंट आता है कि बाल ठाकरे ने बाद में प्रेस की नौकरी से त्यागपत्र देकर के अपने भाई के साथ एक कार्टून साप्ताहिक मार्मिक की शुरुआत की। तो ये मार्मिक क्या होता है? मार्मिक सप्ताह में एक बार छपती थी, और ये मूल रूप से क्या थी? एक जो है साप्ताहिक टाइप की पत्रिका टाइप की थी, जिसमें केवल और केवल कार्टून ही छपता था, वो भी बाल ठाकरे के द्वारा बनाया गया। आगे, बाल ठाकरे के जीवन और उनके आदर्शों से प्रेरित होकर के फिल्म निर्माता स्वप्ना पाटकर क्या करती हैं? अतुल काले के निर्देशन में 2015 में एक मराठी भाषी फिल्म बनाती हैं जिसका नाम होता है बाल कड़ू का निर्माण। बाल कड़ू का निर्माण ये किसके जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म है? तो मूल रूप से बाल ठाकरे के जीवन को केंद्रित करके बनाया गया है, स्वप्ना पाटकर के द्वारा बनाया गया है, निर्देशन अतुल काले का रहा है। कब आती है ये फिल्म? 2015 में आती है, यानी मृत्यु के बाद आती है। 2012 में इनकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद आती है। आगे अगर बात करते हैं तो आगे कहा जाता है कि बाल कड़ू फिल्म में बाल ठाकरे का जो रोल है वो नमाजुद्दीन सिद्दीकी के द्वारा निभाया जाता है, और अमृता राव ने पत्नी मीना ठाकरे का जो है रोल निभाया है। तो अमृता राव ने मीना ठाकरे का रोल निभाया, और नमाजुद्दीन सिद्दीकी ने मूल रूप से कौन सी फिल्म में? तो उस फिल्म का नाम होता है बाल कड़ू में मूल रूप से बाल ठाकरे का जो है
चरित्र दर्शाने का प्रयास किया गया है। बाल ठाकरे की मृत्यु पूछी जाती है तो 2012 में मुंबई में हो जाती है। बाल ठाकरे एक बहुत तटस्थ व्यक्ति थे, बहुत जिसे कहा जाता है बहुत स्ट्रिक्ट, जिसे वर्तमान समय में योगी जी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट। सेम वही प्रोसेस था बाल ठाकरे जी का। जैसे आप जानते होंगे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, बहुत स्ट्रिक्ट, तो सेम टू सेम प्रोसेस इनका भी रहा है। जो कहते थे वही होता था। इसीलिए आप देखे होंगे कि इन्हें कहा जाता था किंग मेकर। किंग मेकर ये कभी राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से नहीं रहते थे, इन्हीं के अंडर में जो है विधायक मंत्री और सांसद बनते थे। लेकिन इन्हीं के पुत्र हैं उद्धव जी, और उद्धव ठाकरे थोड़ा सा लालच में आकर के एज अ किंग मेकर से वो राजा बनना चाहे, और राजा में आप जानते ही हैं कि क्या हुआ, एकनाथ शिंदे ने उन्हें चारों खाने चित कर दिया। तो ये सब दिक्कतें होती हैं। लेकिन आपके जो काम का बात है वो यहाँ यही है कि प्रतिष्ठित और कार्टूनिस्ट के रूप में एक अच्छा कार्य किसने किया, तो बाल ठाकरे ने किया। क्वेश्चन छपता है कि एक राजनेता जो अपना जीवन यापन स्टार्टिंग में एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में निभाया, तो वहाँ पे नाम सुषमा स्वराज का दे सकता है, नरेंद्र मोदी का दे सकता है, अटल बिहारी वाजपेयी का दे सकता है, और बाल ठाकरे का दे सकता है। तो आपको जो सही जवाब चुनना है वो बाल ठाकरे के साथ चुनना है। अगला नाम मारियो मिरांडा का होगा। मारियो मिरांडा 1926 में जन्म, 2011 में मृत्यु। इनसे जुड़ा क्वेश्चन देखेंगे। मारियो मिरांडा का जन्म 1926 में कहाँ पे होता है, दमन दीव में होता है। मारियो मिरांडा का पूरा नाम क्या है, तो मारियो डी मिरांडा इनका पूरा नाम बनता है। जैसे ठाकरे का पूरा नाम क्या था, बाल केशव ठाकरे था। आगे मारियो मिरांडा एक व्यंग चित्रकार कार्टूनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। व्यंग कलाकार के रूप में आप जानते हैं गगनेंद्रनाथ ठाकुर फेमस थे, लेकिन व्यंग चित्रकार कार्टूनिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है, तो मारियो मिरांडा जाने जाते हैं। मारियो मिरांडा की शुरुआती शिक्षा कहाँ पे होती है, तो मारियो मिरांडा की जो शुरुआती शिक्षा है वो बेंगलुरु, जिसे आईटी सिटी कहा जाता है, तो इसी कर्नाटका के बेंगलुरु में संपन्न होती है। मारियो मिरांडा की पत्नी का नाम हबीबी मिरांडा है। हबीबी मिरांडा ये पूछा जाता है कभी कभी, जो है डाटा ऐसे घुमा के पूछ लेता है कि कौन व्यंग चित्रकार है या कौन व्यंग कार्टूनिस्ट है जिसकी पत्नी का नाम हबीबी मिरांडा है। तो आपको याद रखना होगा कि मारियो मिरांडा के बारे में बात हो रही है, जिनका जन्म मूल रूप से दमन में हुआ था। आगे कार्टूनिस्ट मारियो मिरांडा का व्यंग चित्र सर्वप्रथम एलेस्ट्रा वेकली ऑफ इंडिया में प्रकाशित हुआ। तो हाँ, प्रकाशित हुआ एलेस्ट्रा वेकली, इंडिया में सबसे पहला व्यंग चित्र आता है। मारियो मिरांडा के जीवन पर आधारित आत्मकथा का पुस्तक का नाम बताइए, लाइफ ऑफ मारियो। लाइफ ऑफ मारियो किसकी आत्मकथा है, तो लाइफ ऑफ मारियो जो है मारियो मिरांडा की आत्मकथा मानी जाती है। मारियो मिरांडा के कार्टून कार्य की चित्रण शैली सपाट थी। अच्छा, मारियो मिरांडा की कार्टून चित्रण शैली कैसी रही है, तो कार्टून चित्रण शैली मूल रूप से सपाट रही है, सपाट। आगे मारियो मिरांडा कहा जाता है कि मारियो मिरांडा गोवा से संबंधित कलाकार रहे हैं। जन्म तो इनका दमन में हुआ है, शिक्षा इन्होंने मूल रूप से कहाँ पाई, बेंगलुरु में, लेकिन इनका संबंध जो है गोवा से रहा है। भारत सरकार ने 1988 में मारियो मिरांडा को पद्मश्री से नवाजा, जो चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है भारत का। वर्ष 2003 में इन्हें पद्म भूषण से दिया गया, और वर्ष 2012 में पद्म विभूषण दिया गया। पद्म भूषण तीसरा होता है और पद्म विभूषण दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार माना जाता है भारत सरकार का। पहला कौन है, तो पहला आप जानते हैं कि भारत रत्न है, भारत रत्न। तो मारियो मिरांडा को पहले 88 में पद्मश्री मिलता है, 2003 में भूषण मिलता है, और 2012 में विभूषण भी मिल जाता है। लेकिन आप जानते हैं 2011 में इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे मारियो मिरांडा ने मुंबई में कार्टूनिस्ट आर के लक्ष्मण के साथ रह करके टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में भी काम किया है। तो आर के लक्ष्मण वही हैं जिनका जन्म मैसूर कर्नाटका में होता है। रासीपुरम कृष्ण स्वामी लक्ष्मण इनका पूरा नाम होता है आर के लक्ष्मण का। वो भी एज अ कार्टूनिस्ट के रूप में रहे हैं। अच्छी रचनाएँ होती हैं, व्यंग चित्रण होता है। द बेस्ट ऑफ लक्ष्मण सीरीज उन्होंने ही बनाई थी, द मैसेंजर उन्होंने बनाई थी, सर्वेंट ऑफ इंडिया उन्होंने ही बनाई थी आर के लक्ष्मण ने। तो उनके साथ मिलकर के मारियो मिरांडा ने मूल रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया, जो आज की डेट में भी आता है, उस न्यूज़पेपर में काम किया है। मारियो मिरांडा की मृत्यु, तो इनकी मृत्यु मूल रूप से 2011 में गोवा में हो जाती है। मारियो मिरांडा की पत्नी का नाम आपको याद रखना होगा हबीबी मिरांडा होता है, ठीक है।
उम्मीद है समझ में आया होगा, बाल ठाकरे और मारियो मिरांडा को आपने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा है, जो डाटा इम्पोर्टेंट था उस पर खास फोकस किया गया है। अभी मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए जय हिंद।